Assalamu alaikum viewers, my name is Rizwan Cheema, founder and CEO of Makaan Solutions Private Limited. Aapka safar plot se makan tak. इस वीडियो में आपको मैं ओवरसीज प्राइम सेक्टर ए के हवाले से एक्सप्लेन करूंगा। सेक्टर ए में इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, और ऑन ग्राउंड अगर आप विजिट करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज प्राइम में आज की डेट में, तो आपको वहां पे क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सेक्टर ए की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें जो प्लॉट के साइजेज़ हैं वो किस तरह के हैं, और इसमें सेकंड तौर पर इसमें डेवलपमेंट कैसी हो रही है, एंड नंबर थ्री इसकी लोकेशन कैसी है। सेक्टर ए अगर जो है वो एंट्रेंस रोड टू के साथ जो 120 फीट वाइड मेन बुलेवर्ड है उसके साथ लेफ्ट साइड पर एक सेक्टर है जिसको स्मार्ट सिटी की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया था। फ्यूचर में शायद इसको लॉन्च किया जाए क्योंकि इसमें डुप्लेक्स विला हैं जिस तरह यूके में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में हैं, इस तरह उसी तर्ज पे यहाँ पे विलास बनाए जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में इसको लॉन्च किया जाएगा। आज की डेट में इन विलास को लॉन्च नहीं किया गया। सेकेंड जो चीज़ है सेक्टर ए में वो है कमर्शियल प्लॉट्स, जिनको हाई राइज कमर्शियल हैं, बड़े कमर्शियल्स हैं, दो कनाल से लेके चार कनाल, आठ कनाल, छः कनाल, किसी भी साइज़ के कमर्शियल हो सकते हैं, बट अभी तक फॉर द टाइम बिंग सोसाइटी की तरफ से इन कमर्शियल्स को ना मार्केट में लाया गया है, ना इनको लॉन्च किया गया है, ना इनको सेल किया गया है। बट ओवरऑल ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ए की लोकेशन बहुत प्राइम है। एक तरफ से इसकी अगर चार साइड्स की बात करें, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ पे, तो नॉर्थ साइड पे इसकी एंट्रेंस रोड है, इसकी ईस्ट साइड पे जो है वो सेक्टर सी है, इसकी साउथ वेस्ट साइड पे अगर बात करें तो इसके वो मेन बुलेवर्ड आ जाती है, प्लस जो पीछे आ जाता है आपका ब्रिज बना हुआ है एंट्रेंस रोड का वो आ जाता है, और बैक साइड की अगर बात करें यानी इसकी साउथ साइड पर तो इसके सिल रिवर आता है जिसकी साइडों पर काम हो रहा है, और इसकी सिल रिवर के साथ साथ जब ये पूरा तैयार होगा तो डेफिनेटली डुप्लेक्स होम प्लस कमर्शियल के साथ यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी जिनको एंटरटेनमेंट के तौर पे यूज़ किया जा सके। तो इसकी लोकेशन के हवाले से ये बात होगी। सेकंड इस केस में मैं बता दिया कटिंग साइज़ जो इसमें है प्लॉट वो लॉन्च नहीं किए गए, किसी भी साइज़ के प्लॉट हो सकते हैं। डुप्लेक्स होम जो है वो सोसाइटी की तरफ से बना के प्रेजेंट किए जाएंगे, इनका कन्फर्म नहीं है कि किस तरह के प्लॉट या साइज़ होंगे जो लॉन्च किए जाएंगे। एंड नंबर थ्री जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त यहाँ पर इसके डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। सेक्टर ए की अगर डेवलपमेंट की बात करें तो सेक्टर ए में डेवलपमेंट जो है वो इंतहाई अच्छी स्पीड से जारी है। इवन तो इसको लॉन्च नहीं किया गया, इसको बेचा नहीं गया, बट इसकी डेवलपमेंट प्रायोरिटी पे की जा रही है क्योंकि जिस इंडिविजुअल ने भी स्मार्ट सिटी में एंटर होना है उस एंट्रेंस के बाद उसको वहाँ पे ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ए की विजिबिलिटी आएगी एंट्रेंस रोड टू से, तो डेफिनेटली सोसाइटी चाहती है कि उनकी अच्छा इंप्रेशन जाए ना कि एक बैड इंप्रेशन जाए, इसलिए उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जा रहा है। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको स्मार्ट सिटी बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makaansolutions.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।